दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का दौर चलता रहा। इस रिमझिम बारिश की फुहार के साथ बर्फ के हल्के फाहे भी गिरते रहे। शिमला में चलती शीतलहर के चलते अधिकतर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटकों व स्थानीय लोगों से भरा रहने वाला रिज वीरान पड़ा रहा। रिज पर गुरुवार को कम संख्या में ही लोग दिखाई पड़े। जहां मैदानी इलाकों में वर्षा हुई, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी पड़ी। बारिश के कारण राजधानी में सुबह से ही बर्फानी हवाएं चलती रही, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर सोलन ग्राहकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। त्योहारी सीजन पर शुरू की गई सौभाग्य उत्सव योजना के तहत एक लकी विजेता को इयोन कार, 5 अन्य विजेताओं को स्कूटी और 20 कंसोलेशन प्राइज दिए गए। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब ग्राहकों को आभूषणों के लिए चंडीगढ़, अंबाला एवं दिल्ली जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उनका कहना है कि भूषण ज्वेलर्स सभी लोगों के सोना पहनने के ख्वाब को न मात्र पूंजी पर किटी खोलकर पूरा कर रहा है। यही नहीं, भूषण ज्वेलर्स शादी विवाह के अवसर पर ग्राहकों को विशेष उपहार प्रदान कर रहा है। तो आज ही चले आइए भूषण ज्वेलर्स सोलन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट।